दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में हम लोग गॉस थ्योरम को बिल्कुल अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से पढ़ लिए थे कि गॉस थ्योरम क्या होता है, इससे क्या निकाला जाता है और यह कितना इंपॉर्टेंट होता है। सारी की सारी बातें को हम अच्छी तरीके से कवर कर लिए थे और आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई अगर क्यू पॉइंट चार्ज है तो इससे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इसी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे गॉस थ्योरम के हेल्प से। एक्चुअली गॉस थ्योरम का हम लोग के बोर्ड एग्जाम में चार गो एप्लीकेशन पढ़ना है, चार गो प्रूफ पढ़ना है। वो प्रूफ में कोई ना कोई प्रूफ अक्सर बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है, जनरली आ जाता है। इसलिए चार एप्लीकेशन में यह पहला एप्लीकेशन है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, इसको गॉस थ्योरम से प्रूव करना है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, बढ़िया से प्रूव करेंगे। बस वीडियो के अंत तक चिपक कर बन रही है, आपको पूरी की पूरी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशमनी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। यह है डेली लेक्चर का पार्ट 27 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। यह एग्जाम में 100% स्कोर करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन यह फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब इस सीरीज के डेली सेट के सारे वीडियोज को बिल्कुल अंत तक, बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं, बिल्कुल अंत तक देखते हैं। और यह सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों भाषा में मिल जाता है और यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का 27वां सेट है। वैसे अगर आप इस सीरीज के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इस इंफॉर्मेशन को जल्दी से पढ़ लीजिए, आपको पूरा का पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि यह किस क्लास के लिए, किस चैप्टर का है। और पीछे के सारे वीडियो को देखते रहने के लिए यहां राइट साइड कॉर्नर पे आई बटन शो करेगा, या तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट खुल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, या यूट्यूब पे एमिंग हाई सर्च कीजिए। एमिंग हाई सर्च करके आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं, एक एक वीडियो देख सकते हैं। तो हम सीधे चलते हैं डेरिवेशन पे। तो देखिए, इस डेरिवेशन को बताकर हम अपना समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, इसलिए बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि इस डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से मैंने पूरा अच्छा तरीका से एकदम एक एक लाइन, एक एक बात लिख के कि डेरिवेशन के पहले क्या लिखना होता है, प्रूव करने के पहले, बाद में क्या लिखना होता है, किस तरीके से स्टेप आपको बढ़ाना है, यह सारी की सारी बातें लिख कर मैंने इसे प्रूव कर दिया है पहले। उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहां टाइटल देख रहे हैं वीडियो का लिखा हुआ, टाइटल नाम जो लिखा हुआ देख रहे हैं उस पर क्लिक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, उस पर लिंक रहेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियो खुल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो को देख लीजिए डिस्क्रिप्शन के लिंक से। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास समय बच जाएगा, तो इस बचे हुए समय में मैं आपके लिए कोई और वीडियो बना दूंगा ताकि अच्छा से हम लोग और वीडियो का कंटिन्यूटी बना सके और मेरा समय बच जाए। लेकिन देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको शॉर्टकट में, वैसे मैं शॉर्टकट बता देता हूं कि क्या करना होता है कि क्यू चार्ज ले लेना होता है और इससे आर दूरी पर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है ना, वहां गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है। और हर एक डेरिवेशन, जो मैंने चार डेरिवेशन बताया, टोटल फोर डेरिवेशन, ये चारों के चारों डेरिवेशन में एक ही स्टेप यूज आने वाला है। कौन सा स्टेप यूज आने वाला है कि पहले तो फ्लक्स निकाल लीजिए गॉस थ्योरम से, जो होता है क्यू इनक्लोज वाई एप्सिलॉन। मैं कह रहा हूं कि जो सरफेस बंद की है, इस सरफेस से क्या कीजिए ना, आप फ्लक्स निकालिए, डिटेल में जान लीजिए ना, डिटेल में वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से डिटेल में जान लीजिए। ये मैं शॉर्टकट में बस मैं टाइम पास कर रहा हूं, आप डिटेल में वहां से जाकर जान लीजिए। मैं कह रहा हूं कि फ्लक्स निकाल लीजिएगा गॉस थ्योरम से, क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन, और एक फ्लक्स निकाल लीजिएगा डिफिनेशन से जो होता है ई डॉट एस, और दोनों को बराबर कर दीजिएगा, इससे फ्लक्स निकलेगा और इससे फ्लक्स निकलेगा, दोनों को बराबर कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू आई आर स्क्वायर आ जाएगा। ऑटोमेटिक इस केस में दोनों को बराबर कर दीजिएगा तो आ जाएगा। सम में यही करना, चाहे रेड के कारण भी निकालेंगे तो वही करेंगे, एक गॉस थ्योरम से निकालेंगे फ्लक्स और एक डिफिनेशन से निकालेंगे फ्लक्स, दोनों को बराबर कर देंगे। स्फीयर के कारण निकालेंगे तो वही करेंगे, एक गॉस थ्योरम से फ्लक्स निकालेंगे, ये निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। मतलब ये सब डेरिवेशन मैं पहले करवा चुका हूं, इसलिए मैं समय लॉस नहीं करूंगा, और ये बताने का वजह ये भी है ना, ताकि एक कंटिन्यूटी बना रहे, नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा, लगेगा कि सर ने छोड़ दिया, सर ने सिलेबस को ही छोड़ दिया। इसलिए बताना भी जरूरी है कि मैंने डेरिवेशन करवा दिया है, तो आप उस डेरिवेशन को नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो टाइटल लिखा हुआ है टाइटल पर क्लिक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, उस पर जाकर लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक कीजिए, आपको पूरा वीडियो अच्छी तरीके से मिल जाएगा, वहां से जाकर पूरी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो खैर, आज के लिए, आज के वीडियो में इतना ही, अगले दिन भी हम एक डेरिवेशन लाएंगे और उसका डेरिवेशन भी हम पहले करवा चुके हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, अगले दिन मिलेगा। इस तरीके से आपको ये गॉस थ्योरम का चारों एप्लीकेशन को मैंने पहले करवा दिया, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन से बताऊंगा। उसके बाद जो वीडियो जिस तरीके से आता था 30 मिनट 35 मिनट का, उस तरीके से वीडियो आएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन शेयर सपोर्ट तो बनता है, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।